ये बजट क्या वर्गों को संतुष्ट करने वाला है, अलग अलग तबके इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, या अगर वो तबके सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो ये दूरदर्शी बजट है जो देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इंडिविजुअल्स पर अभी फोकस नहीं है। क्या ये कहीं पर वाकई पॉपुलिस्ट वाला टिंज लिए हुए है, या ये इस समय इस बजट के बारे में कहना वाकई ना समझी है। महेश पोद्दार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, यशवंत देशमुख हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। पोद्दार जी, आपने ये लगातार देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और केंद्र में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जो मंत्री हैं उन्होंने लगातार इसको अच्छा बताया, मायावती की तरफ से बीएसपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई जो एक तरीके से विपक्ष की धारणा को सार संक्षिप्त करती है कि खुद की पीठ थपथपा लेने के अलावा सरकार इस समय कुछ नहीं कर पा रही। जी नमस्कार। देखिए, लोगों ने कहा अच्छा है तो इसलिए कहा कि वाकई ये अच्छा है। अभी हम कोरोना के 2 साल के मार से जस्ट निकले ही हैं और इस निकलने के बाद में हम आर्थिक व्यवस्था पटरी पे आ रही है। उस समय सरकार का दायित्व है कि बहुत अधिक अपने धन को, अपने साधन को कुव्यय न करें और उन चीज़ों पे लगाए जहाँ कि देश को दीर्घकालीन फायदे होने वाले हैं। यदि 2 शब्दों में इस बजट को कहा जाए तो गति और शक्ति, आज़ादी के 75वें वर्ष में से लेकर के 100 वर्ष तक हम किस गति से आगे बढ़ेंगे और किस शक्ति से आगे बढ़ेंगे, ये बजट उस चीज़ का प्रतिबिंब है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी को कि इस कठिन समय में भी उन्होंने अपने भविष्य की आशावादी सोच को निराश होने नहीं दिया है। इस देश में चुनाव राज्यों में हर साल होते आ रहे हैं और उस समय देश का जो एक दीर्घकालीन लक्ष्य है उससे हम विचलित नहीं हो रहे हैं और बल्कि हम उसको आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूं सर, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, लड़ने के लिए और उसके लिए अगर सरकार चाहती तो पॉपुलिस्ट हो सकती तैयार है, लेकिन भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने शॉर्ट टर्म समझौता कोई नहीं किया है। भले ही हमको उसका चुनावी परिपेक्ष अगर आप देखें तो वो उसमें हमारे लिए नुकसान ही हो, लेकिन हमने ये समझौता नहीं किया। अलका लांबा, देखिए बजट सबने देखा है और बजट में सबके हाथ अगर लगा है तो निराशा ही। उधर साहब लौटूंगा आपके पास, अभी आगे भी बात करूंगा। अलका जी अभी अपनी बात कह रही हैं। हाँ, कितनी करोड़ नौकरियां देंगे, वायदा 2 करोड़ हर साल का था, अब देंगे 60 लाख, वो भी कितने 5 साल में। ली कितनी है महामारी में, 20 करोड़ नौकरियां, 20 करोड़ नौकरियां चली गई, 60 लाख MSMEs बंद हो गए, ताले लग गए और जुमला गढ़ रहे हैं कि 60 लाख नौकरियां देंगे अगले 5 साल में। ये धोखा नहीं तो क्या है, क्या हाथ लगा युवा और बेरोजगारी के मुद्दे पर, कितनी राहत है। ये बात कर रहे हैं गति और पता नहीं क्या क्या शक्ति की, अरे सारी शक्ति आपने अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ दे दी है। कितने है? 100 जो है 43 नाम है, आज चिदंबरम साहब ने कहा है 143 पूंजीपति मित्रों का ये बजट है। डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, वो डिजिटल करेंसी इस देश में कानूनी है या गैर कानूनी अभी तक पता नहीं। आरबीआई का अधिकार था कि वो इस पे बात करता, लेकिन आरबीआई को खुद नहीं मालूम, लेकिन देश के वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर उस पे टैक्स भी लगाने की बात कर लेती। राहत की बात थी, आपने कर टैक्स बढ़ाया नहीं, हम लोगों ने मध्यम वर्गीय को राहत बढ़ाया नहीं। अरे जख्म हरे हैं, मलहम लगानी थी, टैक्स राहत देनी थी। जीएसटी पर जो कपड़ा और जूता आपने 5% से 12% कर दिया, उस पर राहत देनी थी, आप कहते हैं बढ़ाई नहीं। कृषि के ऊपर आज जो MSP किसान, उनके ट्वीट देखिए किसान नेताओं को, आपको समझ आएगा जो 2,48,000 करोड़ सब्सिडी में जाता था उसे भी सब्सिडी में इन्होंने MSP पे कम कर दिया कि अब 2,37,000 करोड़ देंगे। अब मनरेगा, एक कहते ना डूबते को तिनके का सहारा था, ग्रामीण में नौकरियां चली गई महामारी में, महंगाई की मार थी तो लगा मनरेगा सहारा बनेगा। उस मनरेगा का बजट भी जो 90,000 करोड़ था उसे 73,000 करोड़ यानी कि 25,000 करोड़ मनरेगा का खा गए। आप लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं और आप स्वर्णिम भारत के 25 साल बाद के सपने दिखा रहे हैं। आज अभी उन्हें राहत की जरूरत, और कहीं कोई राहत मिलते हुए मध्यम वर्गी हो, गरीब हो, खेती किसान हो, मध्यम वर्ग किसी को
को दिख नहीं रहा है। आप कहते हैं पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, पर ये बजट पूंजीपति मित्रों को ध्यान में रखकर 99.99% को नजरअंदाज करके बजट पेश किया गया। अलका जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं आपके पास लौटता हूँ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।